हेलो गाइस, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की अपने क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल जो कि 2021 में पेपर हुआ था उसका हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देख रहे हैं। और हम लोगों ने टोटल 27 क्लास इसकी अटेंड कर ली हैं। आज हमारी है क्लास नंबर 28। तो ये पेपर की मैं बात करूँ तो ये पेपर 14 दिसंबर 2021 को हुआ था थर्ड शिफ्ट में। तो जो अपनी रीजनिंग की क्लास चल रही है वो है 7:00 बजे से, जो कि अभी चल रही है आपकी। और जो मैथ्स की क्लास होती है वो होती है इस क्लास के बाद कितने बजे से, 8 बजे। तो मैथ्स की क्लास में आना ना भूलना। और इस क्लास की जो PDF है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। इस पेपर का मैं वेन्यू नेम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और ये पेपर 14/12/2021 थर्ड शिफ्ट यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, कांस्टेबल GD 2021। देखो हम लोग यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक क्लास में, क्योंकि 2021 तक का जो आपका पेपर का पैटर्न था वो 25 क्वेश्चन आते थे। इस बार का पैटर्न चेंज हुआ है, 20 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इसका जो 25 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था ना, ये 20 क्वेश्चन में ही तो आने वाला है ना। तो यदि आपने 25-25 के सेट सॉल्व कर लिए, देखो 27 सेट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आज है 28वां सेट, सभी सेट सॉल्व कर लो, पेपर निकल जाएगा, यकीन मानो, ठीक है ना, पेपर निकल जाएगा। मैंने भी पिछली बार पेपर दिया हुआ था और पेपर निकला हुआ है, आप लोग इसमें चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने उस पर सब कुछ डाला हुआ है, ठीक है ना। चलते हैं अपनी आज की क्लास में। तो यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आकृति कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ पर मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोग देखिएगा, तो ये इस प्रकार की आकृति आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसमें सर क्या दिक्कत है, इसमें ये वाली लाइन उल्टा बनी हुई है, इस पर सर ये लाइन है ही नहीं, और इस पर सर ये लाइन है लेकिन ये बहुत तिरछा बनी हुई है, ठीक है ना। तो इस वजह से अपने तीनों ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा में FASHION फैशन को लिखा जाता है NISFASO, तो उसी कूट भाषा में ब्लैंकेट को क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, FASHION इसको लिखा जाता है NISFASO, ठीक है। अब देखो इसके जितने सारे अक्षर हैं वो नीचे यहाँ पर लिखे गए हैं, तो इनका जो स्थान है वो थोड़ा थोड़ा परिवर्तित किया गया, और कैसे परिवर्तित किया गया आओ देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। F का F यहाँ पर हो गया, ठीक है, A यहाँ से आगे थोड़ा चला गया, S कहाँ पर आ गया, S के नीचे जस्ट क्या लिखा है, S लिखा है, H थोड़ा से आगे चला गया है, आई आ गया है सेकेंड नंबर पे, ओ आया है लास्ट में, और एन आया है कहाँ पे, पहले नंबर पे, ठीक है ना। तो ब्लैंकेट को भी हम लोग ऐसे कर लेंगे, BLANKET, तो टी कहाँ पे आएगा, सबसे आगे आ जाएगा। सर यहाँ का जो यफ आया है ये यहाँ पर बीच में आ गया, तो बी कहाँ पे आएगा, बी आ जाएगा सर यहाँ पे। ए कहाँ पर आया है, एफ के आगे ए है, तो बी के आगे यहाँ पर क्या आएगा, यल आ जाएगा, ठीक है ना। एस कहाँ पर है, जस्ट नीचे, तो ए के नीचे जस्ट ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसकी बात करें, यच की बात करें, तो एच कहाँ पर आया, आगे पे, तो एन कहाँ पे आ जाएगा, एन आ जाएगा सर आगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा एन। सर यहाँ पर आई की क्या पोजीशन है, आई आया सर यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस पे देखेंगे, के बाद क्या है, ई है ना, तो ई यहाँ पर क्या, एन के बाद के है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। इसके बाद ई की पोजीशन देखेंगे कहाँ पर आएगा, ई। अच्छा देखो ये वाला ओ किधर आया, लास्ट में आया है, तो ई कहाँ आएगा, इधर सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का आप लोग ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सेकंड पे, तो अपना सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें पोजीशन आपको बताने के लिए। चलो इसकी बात करें तो इस पर 5, 10, 100, तो ऐसा आपको इस प्रकार का जो संबंध इस पर बन रहा है, ऐसा संबंध किस ऑप्शन में है, तो देखो ये 5 का 2 गुना हुआ है और ये 10 का 10 गुना हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है 16 का 2 गुना और 32 का 10 गुना, तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें क्या है सर, ये 12 का 3 गुना लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर 15 का 2 गुना है लेकिन 30 का 10 गुना नहीं लिखा हुआ, इस वजह से ये गलत हो गया। सर ये यहाँ पर देखो इस वजह से ये गलत हुआ है क्योंकि ये 3 गुना है, इसको देख लो 20 दूनी 40 हो रहा है लेकिन आगे ये 10 गुना नहीं हो रहा है, मतलब इस प्रकार का सेम नहीं बन रहा है, तो इस वजह से आपका फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट आंसर होएगा। यहाँ पर क्या है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, पालक है, यहाँ पर क्या है, पत्तियाँ, तो पालक में क्या चीज़ खाई जाती है, तो पत्तियाँ और गाजर में जड़, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, इस पर CAMEL क्या लिखा हुआ है, CAMEL इसको कोड किया जाता है BBLFK से, इससे कोड किया जाता है, तो इसको किससे कोड किया जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सी का कोड 3 होता है, एक होता है, एम का 13, ई का 5 और टी का 20, यहाँ पर बी का 2, एल का 12, एफ का 6, के का 11, इस प्रकार से होता है।
सॉरी यहाँ पर टी नहीं था, यहाँ पर था एल, तो एल लिख लो ठीक है। एल का कितना हो जाएगा, एल का हो जाएगा 12। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 और माइनस का 1, सेम इस पे कर दो। डब्ल्यू पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो 23 से हम लोग माइनस 1 आएंगे, क्या मिलेगा 22, 22वां अक्षर क्या होता है पी। ओ से हम लोग प्लस 1 जाएंगे तो ओ के बाद आएगा पी, आर से हम लोग माइनस आएंगे तो यहाँ मिलेगा क्यू, डी से हम लोग प्लस जाएंगे तो मिलेगा ई, और एफ के से हम लोग यहाँ पर सॉरी एस है ना, एस से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग माइनस वन आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर मिल जाएगा। तो वी पी क्यू ई आर अपने क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाना है। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर है 13:169 समानुपात 21:21 क्या होगा। देखो जब भी कभी एनालॉजिक क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको सबसे पहले देखना है अभाज्य संख्या तो नहीं है, अभाज्य के बाद आपको देखना है क्या क्यूब है, क्या क्यूब होगा तो क्यूब पे हम लोग चलेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे स्क्वायर पे, इसके बाद गुणा या भाग, फिर प्लस या माइनस, फिर इसके बाद इलॉजिकल सीरीज आएगी। देखो ये अभाज्य तो है नहीं, इसके बाद क्यूब भी नहीं, यहाँ पर स्क्वायर मिल रहा है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, अपना राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ना। आगे यहाँ पर पासा दिया गया है कि उस बॉक्स का चयन करें जिसे दी गई सीट को उस पर अंकित रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है, तो आपको ये खुला पासा दिया गया, इससे आप कौन सी आकृति बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग विपरीत देखते हैं, तो देखो इस प्रकार का आपको जो भी फिगर दिख रहा है इसका विपरीत है कुछ ये ठीक है, इसके बाद जो इसका विपरीत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा ये वाला फिगर ठीक है, और जो खाली है एकदम से ब्लैंक है इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ये जो षटभुज बना हुआ है ना कुछ इस प्रकार का ये हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कभी भी विपरीत आपको ना एक साथ दिख सकते हैं ना ही एक साथ छिप सकते हैं। कैसे सर, जैसे ये मेरा हाथ का विपरीत है, यदि मैं आपको ये पार्ट दिखाऊं तो आपका पीछे का पार्ट नहीं दिखेगा, अगर मैं आपको ये पार्ट दिखाऊं तो आपको इस पीछे का पार्ट नहीं दिखेगा ना, तो ठीक इसी प्रकार इस पर भी कॉन्सेप्ट लगता है। आप लोग पहले ऑप्शन पे गौर करो तो इसमें ये वाली आकृति है और ये वाली आकृति, दोनों विपरीत हमें दोनों दिख रहे हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना रॉन्ग हो जाएगा ठीक है ना। सर इस वाले पे क्या प्रॉब्लम है, सर इस वाले प्रॉब्लम ये है कि ये आकृति और ये आकृति दोनों एक साथ आ गई है ना, तो कभी भी दोनों एक साथ ना तो आ सकते ना तो छिप सकते, इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं इस वाले पे, सर ये देखो इस वाले पे ये चीज़ है, इधर ये चीज़ दिया गया है और थर्ड में ये चीज़, मतलब विपरीत में तीनों एक एक करके दिया गया, इस वजह से अपना ये वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सर इसमें क्या दिक्कत है, सर इसमें ये दिक्कत है कि ये फिगर और ये फिगर एक साथ आ गया, इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाना है। आगे चलते हैं, अगला है कि तीन व्यक्ति ए बी सी कुल 260,000 की राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं, कुल राशि में उनके निवेशों का अनुपात 15:18:19 है, वे इस वर्ष कुल निवेश पर 12% लाभ कमाते हैं, लाभ को निवेशों के समान अनुपात में वितरित किया जाता है, सी को कितना लाभ मिलेगा। देखो यहाँ पर है 260,000 में इसे कितना लाभ हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है, परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज से दो जीरो हट जाएंगे, तो 0 0 12 6 72 की 2 हासिल 7 12 2 24 24 7 कितना हो जाएगा, 7 4 11 2 1 3 ये हो जाएगा 312, मतलब 31,200 रुपये। इनका अनुपात कितना है, अनुपात जोड़ लो तो यहाँ पर हो जाएगा 9 8 17 17 5 कितना हो जाएगा, 7 5 12 17 5 22 की 2 और यहाँ पर 3 2 5 कितना हो गया, 52। तो 52 की वैल्यू कितनी आ गई, 312 00। हमें वैल्यू निकालनी किसकी, सी का हमें लाभ निकालना है ना, सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी 19 है, तो भाई 19 का मान निकाल दो। तो देखो इसको कट करो, ये पूरा कट जाएगा, 6 बार में 52 छक्का होता है, 312 00 लगे, 00 लगा लो, 19 का मान निकालना है तो मल्टीप्लाई 19 कर दो, 19 छक्का कितना हो जाएगा 114, तो 114 00 मतलब 11,400 रुपये क्या हो जाएगा, सी को लाभ हो जाएगा ठीक है ना। तो रीजनिंग में लोग मैथ्स के भी क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कागज़ के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज़ के तरीकों काटने के तरीकों को निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है, खोलने पर यह कागज़ कैसा दिखाई देगा, आपको ये बताना है ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले एक हमारे पास ये ब्लैंक पेपर था, इसको हमने क्या किया है, हमने इसको ये वाला पार्ट यहाँ से मोड़ दिया, ये पार्ट यहाँ से मोड़ दिया, ये पार्ट यहाँ से मोड़ दिया, ये पार्ट यहाँ से मोड़ दिया, ऐसे मोड़ने के बाद हमने ये पूरा पार्ट ऐसे करके मोड़ दिया, तो आपकी आकृति कुछ इस प्रकार से बन गई। हमने एक कट यहाँ पे लगाया, एक कट यहाँ पे लगाया, एक कट ऐसे करके लगाया और एक कट इस प्रकार से लगाया।
इस पर कहा जा रहा है कि जब भी हम इसको खोलेंगे ये आकृति किस प्रकार से दिखाई देगी। देखो ये आकृति यहाँ से मुड़ी है ना, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल सा। ये आकृति इस साइड जाएगी तो एक कट यहाँ पे लग जाएगा और ये वाला छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये छोटा सा पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। तो देखो एक पॉइंट ये यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलेगी। तो ये आकृति आपको कहाँ पे दिख रही है, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सेकंड पर देखें तो ये आकृति आपको देखने को मिल रही है। सर इसमें क्या, इसमें हमने ये वाले जो छोटे पॉइंट लगाए ना, इस पर एक एक ही पॉइंट है, जबकि लगने कितने कितने चाहिए, दो दो पॉइंट, इस वजह से गलत है। ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल एक ही, ठीक है, मतलब एक ही आयत के टाइप का बना हुआ है। इस पर कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए, इस वजह से ये यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है। इस पर कहा गया है कि FWJS क्वेश्चन मार्क RK और VG, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो देखो F का कोड कितना होता है, 6 होता है, J का होता है 10, कितना जा रहे हैं, प्लस का 4 जा रहे हैं हम लोग, R 18 प्लस 4 22 जा रहे हैं, इसका मतलब J के बाद हम लोग प्लस 4 जाना पड़ेगा। तो J होता है 10, 10 में प्लस 4 जाएंगे क्या मिलेगा, N, क्योंकि N का कोड कितना होता है, 14 होता है। यहाँ पर W कितना होता है, W सर होता है 23, S होता है 19, मतलब माइनस 4 आ रहे हैं, 19 से माइनस 4 चले जाएंगे हम लोग, 15 मिल जाएगा, 15 कोड होता है किसका, O का, 15 कोड किसका होता है, O का। तो NO अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, 7, 14, 28, 56, पूछ रहा है कि आगे कितना आएगा। देखो 7 है, 14 है, 28 है और 56। देखो यहाँ पर हो रहा है 7 × 14 गुणे 2, 14 × 28 गुणे 2, 28 × 56 गुणे 2, और 56 में 2 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 112। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि नीचे दी गई आकृति में वृत्त अनुच्छेदों को निरूपित करता है। वृत्त कहाँ है, वृत्त यहाँ पर है, ये आर्टिकल अनुच्छेद को निरूपित कर रहा है। त्रिकोण काला को निरूपित करता है, तो त्रिकोण सर ये यहाँ पर है, ये निरूपित करता है ब्लैक को, हम लोग ऐसे ब्लैक लिख लेंगे। इसके बाद आगे है पंचभुज पुस्तकों को निरूपित करता है, ये यहाँ पर ये क्या है, ये है पुस्तकें, इसको पुस्तकें लिख लो। आगे यहाँ पर जो वर्ग है वो पृष्ठों को निरूपित करता है, ये वर्ग, ये जो वर्ग है इसको निरूपित कर रहा है, ये पृष्ठों को निरूपित कर रहा है। और इसके बाद जो आयत है वो नीला को निरूपित करता है, क्या, नीला को निरूपित करता है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उस अक्षर का चयन करें जो उन नीली पुस्तकों को निरूपित करता है जिसमें पृष्ठ और अनुच्छेद हैं। देखो नीला भी होना चाहिए, पुस्तकें भी होना चाहिए, पृष्ठ भी होना चाहिए और अनुच्छेद भी होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए सर, ब्लैक नहीं होना चाहिए, तो ब्लैक वाला पार्ट हटा देंगे। ऐसा कौन सा अक्षर है जो इन चारों आकृतियों के अंतर्गत, मतलब अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत कौन, इसके अंतर्गत कौन सा आएगा, एन आ जाएगा, इस प्रकार से इसके भी अंतर्गत आना चाहिए, ठीक है, और इसके भी अंतर्गत आना चाहिए। तो ऐसा आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, एन है ना, तो एन अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे क्रमबद्ध रूप से दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ठीक है ना। चलो यहाँ पर क्या है, GFA, हमने कई बार आपसे कहा है कि जहाँ का ग्रुप बड़ा हो, जहाँ का ग्रुप बड़ा हो आप लोग वहाँ पर फोकस कर लो। यहाँ पर क्या है, GFA, A के यहाँ पर पहले क्या है, G और F, तो यहाँ पर एक बार G और F रख के देखो क्या बना है, MPGFA, बनाना MPGFA, रख दो यहाँ पर MPGFA, 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 तो भरा क्या जाएगा, MF, ठीक है, MFAGFMP। ये आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन नंबर 3 पे, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, यहाँ पर है, यदि डिवाइड का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ माइनस है और गुणे का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोग नंबर भी देख सकते हो, सभी सेम लिखें, और प्लस माइनस के यहाँ पर साइन भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग किसी एक को भी चेक कर लो, जैसे हमने यहाँ पर पहले को चेक किया, यहाँ पर कितना है 42, इसके बाद मल्टीप्लाई लगाया, तो मल्टीप्लाई का अर्थ देखो क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ भाग है, तो भाग के बाद क्या लगा देंगे, 28 लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। फिर माइनस का साइन है, तो माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो माइनस का अर्थ यहाँ पर दे रहा है गुणा, तो गुणे का साइन लगा लो, कितना है 30 है। फिर डिवाइड का अर्थ क्या है, क्या यहाँ पर प्लस है, प्लस साइन लगाएंगे आप 48 लिखेंगे। इसके बाद प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ यहाँ पर है माइनस, माइनस में कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है।
चलो इसको हम लोग साल करेंगे तो 7 चौक 28, 7 छंग 42 कितना आएगा, 6/4 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 30। और देखो यदि हम 48 से 45 को माइनस कर दें, क्या 48 से 45 को माइनस कर दें तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा प्लस का 3, ठीक है। और हम लोग इसको कट करेंगे तो 2 2 4 दो 15 बार में ये कट जाएगा, 2 से कट करेंगे कितना आएगा 3, तो 15 3 45 और प्लस कितना हो गया 3, 48। तो बराबर में कितना आना चाहिए 48, किस ऑप्शन में सर, ऑप्शन नंबर सेकंड में 48 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर किसी कूड़ भाषा में RINGS को लिखा जाता है RIGSG, उसी कूट भाषा में PURSE को लिखा जाता है UPRES, ठीक है। तो उसी कूट भाषा में स्ट्रोम को क्या लिखा जाएगा, आपसे ये कुछ पूछा गया, तो देखो RINGS क्या लिखा जाता है, IRNSG, मतलब क्या हो रहा है, R इधर आ जा रहा है, I इधर, N के नीचे N आ रहा है, S और G इस प्रकार से हो जा रहे हैं, ठीक है ना। और सेम टू सेम आप लोग यहाँ पर देख लो, देख लो यहाँ पर यू आएगा, यहाँ पर पी आएगा, यहाँ पर देखो आर आ रहा है, ई वाला इस साइड हो गया, एस वाला इस साइड हो गया, ठीक है ना। तो ई और एस तो इस प्रकार से बन रहा है, तो सेम आपको स्ट्रोम पे भी करना है, तो लिख लो STORM, तो स्ट्रोम पे क्या हो जाएगा, टी पहले आएगा, एस बाद में आएगा, ठीक है, यहाँ पर ओ आ जाएगा, एम इधर आएगा और आर लास्ट में आएगा। तो इस प्रकार का आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ये अपना हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक विशिष्ट कूट भाषा में CASTER, क्या CASTER, इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है 3/26, लिख लो इसको 3/26/19 और यहाँ पर कितना है 7 है, फिर 5 है, फिर 9 है। तो सर इसको किस प्रकार से कूट किया गया है, तो देखो यहाँ पर सी का कोड कितना होता है 3 होता है, ए का कोड 26 इन्होंने लिखा है, इसका मतलब ए का विपरीत कितना होता है जेड होता है और जेड का कोड 26 होता है, तो इसमें देखो क्या लिखा गया विपरीत लिखा गया, और एस का कोड 19 होता है, ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने फिर विपरीत लिख दिया है, क्योंकि टी का विपरीत जी होता है और जी का कोड कितना होता है 7 होता है, तो इन्होंने विपरीत लिखा है। ई का कोड 5 होता है लेकिन आर का विपरीत इन्होंने फिर यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है ना, आर का विपरीत क्या होता है आई होता है और आई का कोड कितना होता है 9 होता है। चलो एफ का कोड यहाँ पर कितना होता है 6 होता है, आर का विपरीत लिख दो, आर का विपरीत कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, आई का कोड यहाँ पर 9 लिख दो, डी का विपरीत होता है डब्लू, डब्लू कोड होता है 23, जी को आप लोग सेम लिख दो, ई का विपरीत क्या होता है, ई का विपरीत होता है वी और वी का कोड होता है 22। तो इस प्रकार का कोड आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ में, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। दो बार ये क्वेश्चन लग गया क्या, हाँ दो बार लग गया, छोड़ो। चलो इस पर क्या आपको बताना है, देखो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, यहाँ पर है कि दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। मैं इसको थोड़ा से और जूम करता हूँ, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एस एट रेट हैज कुछ इस प्रकार से लिखा है, ये वाला एस यहाँ पे आ गया है, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और जो ये वाला एस है ये कहाँ पहुँच गया यहाँ पर, इसका मतलब जो ये वाली आकृति एस कहाँ पर होगा, एस इसका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। एस के बाद क्या है एट रेट है, फिर है जाए, इसके बाद एट रेट है, फिर है जाए, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एट रेट, फिर आएगा यहाँ पर क्या हैज, हैज के ऊपर इसने परसेंटेज लगाया तो यहाँ पर हो जाएगा परसेंटेज, परसेंटेज के बाद यहाँ पर क्या एंड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। तो ऐसा आकृति आपको कहाँ पर दिख रही है, तो जैसे आप लोग देखेंगे ना तो ऑप्शन नंबर फोर्थ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो आपने डिक्शनरी हमेशा यूज की होगी, तो डिक्शनरी में कौन मीनिंग पहले आती है, इसके बाद कौन सी मीनिंग आएगी, आपको उसका यहाँ पर क्रम बताना है। तो हमने आपको कई बार बताया कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि जो चीज़ आपको कॉमन मिले उससे आपका कोई मतलब नहीं, जैसे POS, S तक तो आपको कॉमन मिल रहा है ना, तो S तक तो हटा दो आप लोग, इस पे S है, फिर E है, फिर T है, फिर S है, इन चारों में सबसे पहले कौन आएगा, SST या S, S आता है कि T आता है सर, पहले आता है S, तो या तो पहले एक नंबर की मीनिंग आएगी, या तो दो नंबर की आएगी, या तो पांच नंबर की। हमें ये पता चल गया कि तीन नंबर और चार नंबर की मीनिंग सबसे लास्ट में आएंगी। चलो यहाँ पर देखो, इस पे S है, इस पे S है, इस पे S है, हटा दो, इस पे I है, तो I पहले आता है, E आता है सर, पहले आता है E, तो पहले या तो ये मीनिंग आएगी या तो ये मीनिंग आएगी। देखो ES सेम है, I भी सेम है, I भी हटा दो, इस पे N है, इस पे V है, तो सर N पहले आएगा कि V आएगा सर, पहले सॉरी इस पे O है ना, इस पे V है, O पहले आएगा कि V सर, O पहले आएगा, तो दो नंबर की मीनिंग पहले आ जाएगी, पाँच नंबर की मीनिंग बाद में आएगी। इसके बाद S यहाँ पर था,
और एक नंबर की मीनिंग यहाँ पे आ जाएगी। देखो टी के बाद यहाँ पर ई लिखा हुआ है तो चार नंबर की मीनिंग यहाँ पर आएगी, इसके बाद तीन नंबर की मीनिंग आ जाएगी। आपका कुछ कुछ इस कुछ आपका क्रम कुछ इस प्रकार का बनेगा 24 sorry 25143, तो 25143 ऑप्शन नंबर फोर्थ में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पर है सात व्यक्ति एल एम एन के एल एम एन ओ पी और क्यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, के और एम एक साथ बैठे हैं, ओ पूर्वी सिरे पर है, पी क्यू और एम के बीच में है, क्यू पंक्ति के मध्य में बैठा है, एन ओ और एल के बीच में है, के पश्चिमी सिरे पर बैठा है, पूर्व से पाँचवें स्थान पर कौन है, आपको ये यहाँ पर बताना है। चलो सात व्यक्ति हैं और देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि ओ पूर्वी छोर पर है, तो ओ को यहाँ पर बैठा दो, हो गया पूर्वी छोर पर, एक दो तीन चार पाँच छः सात, हो गए सात लोग। अब देखो क्यों पंक्ति के मध्य में बैठा है, तो इसका मतलब क्यों यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर है। ओ और एल के बीच में एन है, तो ओ यहाँ पर है, एल यहाँ पर हो जाएगा, एन कहाँ पर हो जाएगा, एन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखो क्यों और एम के बीच में पी है, तो क्यों यहाँ है, तो 100% एम यहाँ होगा और पी कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। और के पश्चिमी छोर पर बैठा है, तो कोई के भाई साहब यहाँ पर हो जाएंगे। क्या पूछा जा रहा है, पूर्व से पांचवें स्थान पर कौन बैठा है, तो एक दो तीन चार पाँच कौन है, पी भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो पी अपना क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 20 में है 5 5 15 75 क्वेश्चन मार्क और 47 25, पूछ रहा है भाई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बता दो कितना आएगा। देखो ये देखो 5 का 1 गुना लिखा हुआ है, ये 5 का 3 गुना लिखा हुआ है, ये 5 का 5 गुना, देखो 1 गुना 3 गुना 5 गुना, अब कितना गुना आएगा, 7 गुना, चेक करो 7 गुने में आंसर मिलेगा क्या। 7 15 35 की 5 हाफिल 3, 7 7 49 50 51 52, कितना हो गया 525, और 525 अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल गया, तो 525 हो जाएगा अपने क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, इस पे है कि निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से 3 किसी तरह संगत हैं और 1 असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। तो आप लोग पहले ऑप्शन में देखिएगा, इस पे बी डी एफ एस जे, इस पे है 2 4 6 8 10, मतलब इसमें सभी में 2-2 का अंतर आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, क्यों होता है 17, एस होता है 19, फिर यू होता है 21, डब्ल्यू होता है 23, वाई होता है 25। इसमें भी सर आ रहा है सब में +2 का अंतर। इस पे देखो जे होता है 10, एल 12, एन 14, पी 16, आर 18, सर इसमें भी हो रहा है +2। इसको देख लो 3, सी का कोड होता है 3, ई का कोड होता है 5, एच का कोड होता है 8, तो इसमें देखो 2 का अंतर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो 3 का अंतर आ गया। सभी में देखो सब में 2-2 का अंतर आ रहा था, ये अपना क्या हो जाएगा असंगत, क्यों इसमें 3 का अंतर आ गया, इस वजह से। आगे यहाँ पर जब दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाता है, तो सही दर्पण, तो संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का आपको चयन करना है। तो देखो हमने आपसे कई बार कहा है कि आपको वहाँ पर कागज़ और पेपर मिलेगा, तो पेपर में क्या करना, जब भी दर्पण का आ जाए, जैसे ये आपका पेपर है ना, तो आप लोग यहाँ पर ये पूरा लिख लेना 476YFQ, और पेपर को ऐसे पलट दें, जैसे आप पलटोगे जो चीज़ आपको इधर दिखे, ठीक है ना, वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा फिर तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपको इसको बनाना पड़ेगा, यहाँ पर दर्पण, जो दर्पण के नज़दीक उसे दर्पण के नज़दीक रखना पड़ेगा, ऐसे करके ये बन जाएगा। एफ यहाँ पर है, तो एफ कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है ना, तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, और ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, तो यहाँ पर है कुछ रानियाँ राजा हैं, सभी राजा अधिकारी हैं, कोई अधिकारी आर्किटेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर निष्कर्ष की बात करते हैं। इस पर कुछ अधिकारी रानियाँ हैं, अधिकारी और रानियाँ का संबंध देखेंगे, अधिकारी यहाँ पर है, रानियाँ यहाँ पर है, राजा से राजा कट जाएगा, कुछ अधिकारी रानियाँ, ये तो 100% सही है। आगे कोई राजा आर्किटेक्ट नहीं है, तो राजा यहाँ पर है, आर्किटेक्ट यहाँ पर है, देखो अधिकारी से अधिकारी कट जाएगा, क्योंकि कोई की वैल्यू यहाँ पर 100 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या है, राजा की वैल्यू 100 है, इसकी भी वैल्यू 100 है, तो ये भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। मतलब दोनों निष्कर्ष इसका अनुसरण करते हैं, मतलब दोनों ही निष्कर्ष पालन करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगला है, जे और के सहोदर हैं, सहोदर का मतलब या तो ये भाई हैं दोनों, या तो बहन है, तो जे और के भाई बहन में से कोई हो सकता है, ठीक है। एम जे का मामा है, किसका मामा है, एम जो है वो जे का मामा है, इसका मतलब जे के पिता होंगे, पिता की पत्नी हो जाएंगी, और पत्नी के भाई हमारे कौन लगेंगे, मामा, तो यहाँ पर एम कौन हो जाएंगे, मामा। एस के की नानी है, किसकी नानी है, के की नानी, इसका मतलब के की माँ, माँ के पिता, पिता की पत्नी, यहाँ पर कौन हो जाएंगी, यहाँ पर हो जाएंगी एस। ए एस का, ए एस की इकलौती बेटी है, तो एस की इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, ए यहाँ पर हो जाएगी, तो ए का एम से क्या संबंध है,
तो ए का एम से क्या संबंध है, मतलब ए कौन है, तो ए कौन है एम की, तो देख लो ये कौन हो जाएगी, इसकी बहन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, और अभी का है ये लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो हमें मैथ्स भी करने हैं ना। चलो इस पे एक पंक्ति में मनु बाईं ओर से 14वें स्थान पर, ये अपना बायां ओर हुआ, यहाँ पे 14वें स्थान पर हो गए मनु। आगे सैम दाईं ओर से 9वें स्थान पर, सैम यहाँ से हो गया 9वां स्थान। यदि वे आपस में अपने स्थान बदल देते हैं तो सैम दाईं ओर से 12वां हो जाता है। यहाँ पर देखो सैम है, अब देखो ये अपने स्थान बदलते हैं, मतलब मनु यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाते हैं और सैम इधर चला जाता है। जैसे सैम इधर आता है वैसे इसकी रैंक इस साइड से 12 हो जाती है। देखो इस साइड से 14 नंबर पर है, इस साइड से 12वें नंबर, टोटल नंबर कितने हो गए, 4, 2, 6, 1, 1, 2, कितने स्टूडेंट हो गए, 26। लेकिन जो इस स्टूडेंट की काउंटिंग है हमने दो बार कर ली, एक तो इधर से भी गिन लिया 14वें पे, एक इधर से गिन लिया 12वें पे, दो बार काउंटिंग हुई है ना। है कितना लड़का, लड़का तो एक ही है, दो बार भी क्यों गिन रहे हो, तो एक इससे माइनस कर दो, कितना आ गया 25 हो जाएगा। तो 25 स्टूडेंट हो जाएंगे उस पंक्ति में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो भाई शेयर कर देना, और ताकि काफ़ी बच्चों का इससे फ़ायदा हो सके और वो प्रीवियस ईयर लगा सके, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और अभी अपनी 8 बजे से जो क्लास चलनी है शाम को वो है मैथ्स की, तो उस पर आना मत भूलना, उस पर भी हम लोग बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।